जो आपका खैर मुकदम है जेके वी कोलकाता न्यूज में, आपको आज यहाँ पे अवार्ड मिला है, कौन सा अवार्ड है, वो अवार्ड दिखाइए और बताइए क्या आप। आज यहाँ कला मंदिर के कला कुंज ऑडिटोरियम में एक सामाजिक संस्था है जिसका नाम है वॉरियर्स ऑफ ह्यूमैनिटी, और मुझे खुद भी नहीं पता था कि उन लोगों ने मेरे पीछे कितनी होमवर्क की है और किस तरीके से मुझे नवाजा जाएगा, ये मुझे एहसास भी नहीं था क्योंकि मैं अमूमन किसी भी अवार्ड सेरेमनी में जाता नहीं हूँ। लेकिन आज इन लोगों के बहुत गुजारिशों पे, बहुत मोहब्बतों पे मैं यहाँ आना मैंने तय पाया, और जब मैं यहाँ आया और जब मुझे स्टेज पे बुलाया गया तो मेरे आंखों से आंसू निकल आए जब उन्होंने मुझे हमारे देश के सबसे बड़े पत्रकार, सबके चहेते पत्रकार, बेबाक बोलने वाले श्री रवीश कुमार जी की लिखी हुई द फ्री वॉइस से मुझे नवाजा गया अनसंग वॉरियर के तहत। तो कहीं ना कहीं ये मेरा मनोबल भी बढ़ाता है और मेरी जिम्मेदारियां भी बढ़ जाती है कि अब हक़ की लड़ाई जो मैं लड़ रहा हूँ तकरीबन 2007 से, जब मगरी बंगाल में नंदीग्राम का मसला, जब मगरी बंगाल में तापोसी मल्लिक को लेके, सिंगूर को लेके और रिजवानुर रहमान के मामले को लेकर जब मौजूदा कालीन तृणमूल कांग्रेस ने आंदोलन छेड़ा था, तो मैं उसी आंदोलन का एक इंडिविजुअल सिपाही था और उसी साल मैंने अपनी क्रांतिकारी और सच्चाई की लड़ाई शुरू की थी। कहीं ना कहीं आज 14 साल के बाद मुझे ये फ़ख्र महसूस हो रहा है कि ऐसे संस्थाओं ने मुझे रवीश कुमार जैसे महान पत्रकार, महान जर्नलिस्ट का लिखा हुआ किताब मुझे दिया है, मुझे नवाजा है। मैं इन लोगों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। ये WOH वॉरियर्स ऑफ ह्यूमैनिटी है और इस्माइल चैरिटेबल ट्रस्ट जिन्होंने आज ये प्रोग्राम कला मंदिर के कला कुंज ऑडिटोरियम में सजाया था। बहुत सारे यहाँ पर सामाजिक बड़े बड़े कार्टून आए थे, कुछ पॉलिटिकल थे, कुछ नॉन पॉलिटिकल थे, लेकिन क्योंकि ये प्रोग्राम सामाजिक कामों से जुड़ा था तो तमाम लोगों ने समाज से जुड़े हुए, समाज की बेहतरी के लिए जो हो सके वो अपनी अपनी बातें रखी। और मैं भी आपके इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म JKV न्यूज़ के ज़रिए से मैं लोगों से अपील करना चाहूँगा कि अभी भी अगर आप सो रहे हैं तो बराए मेहरबानी जाग जाए और अपने बगल वाले घर में झांक कर देखे क्या क्या उनके घर पे किसी चीज़ की तकलीफ़ है, कपड़े की, राशन की, बिजली की, पढ़ाई की, तो उनकी सहायता करने की कोशिश करें। भले आप पूरा ना कर पाएँ लेकिन आप जैसे अगर 2-4 लोग एक परिवार का हिस्सा बनेंगे तो शायद उनकी परेशानियाँ दूर हो जाएंगी, क्योंकि अभी आपको पता है कि पूरे मुल्क में किसान एकता मोर्चा के माध्यम से सिंगू और टिकरी बॉर्डर पे किसान आंदोलन चल रहा है। तकरीबन 108 लोग शहीद हो चुके हैं और सिर्फ वो लड़ाई किसानों की नहीं है, वो पूरे मुल्क भर के 138 करोड़ लोगों के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। तो मैं आज आपके इस प्लेटफॉर्म से दोबारा एक बार फिर से अपील करना चाहूँगा कि वॉरियर्स ऑफ ह्यूमैनिटी के तरह जितने भी संस्थाएं हैं जो किसान एकता मोर्चा का साथ दे रही है, आप लोग भी आगे बढ़कर आए, क्योंकि आज हमारे मुल्क में तकरीबन 90 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनका तनख्वाह 6,000 से लेकर 10,000 के बीच में है और परिवार में 6-7 लोग खाने वाले हैं, बच्चे पढ़ने वाले हैं। अगर वो आज आटा चीनी 30 रुपये से लेकर 45 रुपये में ख़रीदते हैं तो कहीं ना कहीं जो नया कृषि कानून लाया गया है जिस पे MSP को हटा दिया गया है, कहीं ऐसा ना हो कि उद्योगपति के शोरूम से, उनके आउटलेट से वही आटा 60 रुपये खरीदे जाएगी, तब ये सोच लोगों के दिल में शायद जग जाए कि जो लोग 6,000 के तनख्वाह पे अपने परिवार को चला रहे थे, 30 रुपये आटा खरीद रहे थे, आज 60 रुपये ख़रीदना होगा, तब उनकी परेशानी उनको समझ में आएगी। तो मैं लोगों से ये अपील करता हूँ, ये गुजारिश करता हूँ, ये इल्तिजा है, ये रिक्वेस्ट है, आमार अनुरोध आछे, आमी पश्चिमबंग ते जन्म नियेछि, आमी एखानकार छेले, आमी सोनार बांगलार छेले, আমি একটা অ্যাপিল করছি, অনুরোধ করছি, আপনারা দয়া করে ও কৃষিদের সঙ্গে প্রায় 14 কোটি কৃষি আমাদের দেশে আছে রেজিস্টার্ড আনরেজিস্টার্ড, ওনাদের সাথ দিন আর দেশকে একটা নতুন পরিবর্তনে নিয়ে যান। ধন্যবাদ। লাইক, শেয়ার এন্ড সাবস্ক্রাইব টু JKV কলকাতা নিউজ। থ্যাংক ইউ।